गाइस कुछ महीनों से एक ही तरह के 4G स्मार्टवॉच मार्केट के अंदर चल रहा था, जो कि देखने में आपको भी खास मजा नहीं आ रहा था और मुझे भी खास मजा अनबॉक्सिंग करके नहीं आ रहा था। तो मैंने जोनल्पा से बात करके दो स्मार्टवॉच को चाइना से डायरेक्टली मेरे घर पे इंपोर्ट कराया, जो कि है WS10 वॉच और एक WS10 अल्ट्रा। वॉच का जो डब्बा है ना वो ट्रांसपेरेंट कांच जैसा है, एकदम दिखने में काफी बढ़िया लगता है, किसी को अगर गिफ्ट दोगे तो उसको पसंद आ जाएगा। इस बार पैकेजिंग काफी अच्छा किया है इस वाले स्मार्ट वॉच के अंदर। इन दोनों स्मार्ट वॉच का स्पेसिफिकेशन वगैरह सेम है, जो चीज आपको अलग मिलता है वो एक अल्ट्रा के लुक में और एक सीरीज 9 के लुक में। तो इन दोनों में से एक ही स्मार्ट वॉच को अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं आखिर बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है और वॉच के अंदर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है। बॉक्स ओपन होने के बाद हमको जो चीज सबसे पहले दिखता है वो स्ट्रैप, जो आपको 3 स्ट्रैप आपको मिल जाएगा जिसको कि आप लोग अलग अलग दिन के हिसाब से पहन सकते हो। उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर व्हाइट कलर का एक फोगोपिन वाले चार्जिंग केबल मिल जाएगा और स्मार्ट वॉच के अंदर 5G सिम कार्ड को लगाने के लिए एक सिम ट्रे और सिम इजेक्टर पिन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका 5G स्मार्ट वॉच खो जाता है या चोरी हो जाता है इसके लिए आपको एक EMI नंबर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने स्मार्ट वॉच को ट्रैक कर सकते हो। स्मार्ट वॉच का पन्नी वगैरह खोलने के बाद क्या ही स्मार्ट वॉच लग रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है स्मार्ट वॉच, उसके साथ ब्लैक स्ट्रैप तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो स्मार्ट वॉच को ऑन कर लेते हैं। फाइनली स्मार्ट वॉच ऑन हो चुका है और हेलो लिख करके आ गया है। सबसे पहले देख लेते हैं इस 5G स्मार्ट वॉच के अंदर आपको इनबिल्ट कितने सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाती है। तो काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एरा 7, एरा 8, एरा 9, मतलब आपको इसके अंदर 9 वॉच फेसेस देखने को मिल जाती है। अगर आप कुछ नया वॉच फेसेस लगाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस 5G स्मार्ट वॉच के अंदर क्लॉक शॉप नाम का एक ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग नया नया वॉच फेसेस अपने स्मार्ट वॉच के अंदर लगा सकते हो। इस वॉच के अंदर आपको काफी अलग अलग वॉच फेसेस का कलेक्शन भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अलग अलग दिन के हिसाब से अपने वॉच फेसेस वगैरह चेंज कर सकते हो। स्मार्ट वॉच के ऊपर के साइड आप लोग देखोगे तो उधर ब्लूटूथ, वाईफाई, नेटवर्क सब कुछ ऑन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी मैं इस वॉच के सेटिंग के अंदर देख लेता हूं इसके अंदर रैम और स्टोरेज कितना देखने को मिलता है। इस वॉच के अंदर 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज मिल रहा है, मतलब मिड रेंज प्राइस में आने वाला स्मार्टफोन भी इतना रैम और स्टोरेज नहीं मिलता है। अभी देख लेते हैं इस वॉच के अंदर सेंसर वगैरह कितना एक्यूरेट मिलता है। तो मैंने हार्ट रेट स्कैनर को ऑन कर लिया और स्मार्ट वॉच को सिर्फ ऐसे ही हवा में पकड़ के रखूंगा और बैक साइड पे सेंसर का लाइट वगैरह सब कुछ चल रहा है। कहने में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर हिल सेंसर वगैरह सब कुछ फेक है और इस वॉच के अंदर आपको साइड में एक रोटेटिंग कैमरा भी देखने को मिल जाती है। तो चलो देख लेते हैं इस स्मार्ट वॉच के कैमरा से खींची गई फोटोज और वीडियोस को। गाइस ये वीडियो शूट हो रहा है WS10 वॉच से, तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो क्वालिटी कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारा छोटा सा सेटअप, इधर ही शूट हो रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करो। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक ही है, उतना बुरा भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है। अभी इस वॉच के अंदर लोग यूट्यूब चला के देखने वाले हैं आखिर इसका वीडियो क्वालिटी कैसे देखने को मिलता है और साउंड क्वालिटी कैसे देखने को मिलता है। उससे पहले मैं बता दूं इस वॉच के अंदर 46mm स्मूथ कर्व डिस्प्ले मिलता है, जिससे कि वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और आप लोग इस वॉच में यूट्यूब वीडियो को 180p तक ही देख सकते हो। मेरे हिसाब से वीडियो क्वालिटी 180p काफी ज्यादा ठीक है। तो ये रहा इसका वीडियो क्वालिटी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका वीडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा। और ये रहा इसका साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी इस वॉच के अंदर काफी द लाउड है, मतलब सुन के आपको काफी द मजा आएगा इस वॉच के अंदर। गेम एक्सपीरियंस कैसे देखने को मिलता है वो देखने के लिए मैंने प्ले स्टोर से एक गेम को भी डाउनलोड कर लिया, जो कि सबर गेम है। 2-4 मिनट वेट करने के बाद फाइनली गेम ओपन हो चुका है, तो थोड़ा सा गेम खेल के देख लेते हैं। लेकिन इस वॉच के अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मुझे बुरा मिला, क्योंकि गेम काफी ज्यादा लैग कर रहा है और बीच बीच में अटक रहा है। फिर भी आपको इस वॉच के अंदर BGMI फ्री फायर का गेमिंग टेस्ट वीडियो देखना है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट पे 3 बार गेमिंग टेस्ट जरूर लिख देना। तो ये था इस वॉच का ओवरऑल अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।